बहुत अच्छा हूँ। दादा हुआ ये कि आप एयरपोर्ट में हैं और कहाँ से आ रहे हैं प्लीज बताएं हमें। अरे मैं तो ये तो डोमेस्टिक फ्लाइट है ना, मैं कलकत्ता से आ रहा हूँ। दादा छुट्टी मनाने गए थे कोई कॉन्सर्ट था कोई? नहीं नहीं कॉन्सर्ट था, पीछे देख छुट्टी छुट्टी माना नहीं, कॉन्सर्ट था कलकत्ता में, कॉन्सर्ट था। दादा कैसा रहा? हाँ बहुत जबरदस्त रहा। अरे अभी बारिश में कुछ नहीं है, सुन 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 बरसात की धुन सुन। ऑन लाइट नहीं है। Hi, this is Kumar Sanu. You are watching Houseful Action. Hi, this is Kumar Sanu. You are watching Houseful Action. Please keep on watching. बस किसी को लेने आए अपने एक दोस्त को। वो आ रहे हैं? आ रहे हैं। क्या-क्या मैं एक फिल्म बना रहा हूँ दासदेव, जो ख़त्म हो गई है, अक्टूबर में रिलीज होगी। इसमें ऋचा चड्ढा है, राहुल भट्ट है जो अगली में था, और अदिति राव हैदरी है, सौरभ शुक्ला है, अनुराग कश्यप भी है उसमें। वो फिल्म बना रहा हूँ, एक ख़त्म हो गई, अक्टूबर में रिलीज होगी। मुझे बहुत सारी फिल्में बहुत पसंद है, उड़ता पंजाब बहुत पसंद आई मुझे, रमन राघव बहुत पसंद आई मुझे, आपकी जो अभी फिल्म रिलीज़ हुई सुल्तान वो भी अच्छी लगी, मज़ेदार है बहुत, और बहुत मन से बनाई है, सब अच्छा है। मुझे तो आजकल फिल्में जो है हिंदुस्तान में, आजकल के जो यंगर डायरेक्टर बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, बहुत सारे डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। आर डी बर्मन का रोल कौन करेगा यार, वो तो सबसे बड़ी बात है, लेकिन आर डी के तो कितने गाने हैं, मतलब एक कुछ अभी बाद में तो, क्योंकि मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व था विनोद चोपड़ा के साथ 42 में, तो लड़की को देखा, अभी आते हुए सुन रहे थे रुम झुम, तो वो गाने कमाल हैं। बट आर डी तो भूत बंगला से जागो सोने वालों, हाँ तो वो वहाँ से लेके उनकी जो सारी फिल्में हैं वो कमाल हैं, और उनका जो म्यूज़िक है वो अद्भुत है, जैसा तो कोई हुआ है नहीं, इसीलिए आज भी आप सुनते हैं, आज भी आप गाने गुनगुनाते हैं, यंगर लड़के भी अंताक्षरी खेलते हैं, तो आर डी बर्मन ही ज़्यादा होता है। बड़ा मुश्किल है, मैं उनको थोड़ा बहुत जानता था, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बहुत मुश्किल है। जैसे किशोरदा पे लोग बोलते हैं फिल्म बनाए, तो मुझे समझ नहीं आता किशोरदा कौन करेंगे, बिकॉज उस जैसा अद्भुत, पागल, टैलेंटेड, पैशनेट, वर्सटाइल, मजाकिया, इंटेंस, जिसने दूर गगन की छाँव में भी बनाई हो, और फिर मतलब हर तरह के गाने भी गाए हैं, और फिर वो कौन करेगा, ये तो एक्टर, म्यूजिक कंपोजर, डायरेक्टर कौन करेगा, वो आज समझ में नहीं आता वो मतलब, लेकिन वही चैलेंज है, उन पे बायोपिक बननी चाहिए, आर डी बर्मन पे बननी चाहिए, कोई बड़े आदमी हैं इंडस्ट्री के, और बहुत बड़े आदमी हैं, और किशोरदा पे बननी चाहिए मेरे ख्याल से।
Deepika, ma'am. Thank you.